अस्सलामुअलैकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ कपकेक्स, वो भी फ्रोस्टिंग के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं कपकेक्स बनाना। जी तो कपकेक्स के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए 2 चम्मच कोको पाउडर, 1 अंडा, 1/2 कप मिल्क, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कप चीनी। 1 कप चीनी ले लें या 125 ग्राम चीनी ले लें। इसके अलावा 1 टीस्पून कॉफ़ी। ये 1 चम्मच कॉफ़ी को मैंने 2 चम्मच पानी डाल के, नीम गर्म पानी मैंने इसमें डाला था और इसको डिसॉल्व कर लिया है। और हमें 1 कप ऑयल चाहिए होगा। ऑयल और मैदे दोनों की क्वांटिटी इक्वल ली है मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप मैदा। 1 कप मैदा ले लें या 125 ग्राम मैदा ले लें और 1 टीस्पून विनेगर। जी तो ये 1 टीस्पून विनेगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मिल्क 1/2 कप मिल्क है, ये बड़ा वाला कप है इसलिए 1/2 कप लिया है। छोटा वाला कप लेंगे अगर आप 125 ग्राम वाला तो वो आप 1 कप दूध दीजिएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अच्छा ये मिल्क भी जो है वो नीम गर्म था। अब मैं इस मैदे में 1/2 टीस्पून, ये देखें सिर्फ इतना सा सोडा डाला है मैंने इसमें, ये सोडा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये डालकर इसको मिक्स करके साइड पे रख दूंगी। मैदा मैंने पहले से ही छान लिया था, आप भी छान लीजिएगा। इसमें मैं कोको पाउडर इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं 1/2 कपकेक्स वेनेला में बना रही हूँ और 1/2 कपकेक्स चॉकलेट में बना रही हूँ। इसके अलावा हमें 4 to 5 ड्रॉप्स वेनेला एसेंस भी चाहिए होगा, वो मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ, आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है, कपकेक्स के लिए बेकिंग ट्रे ली है और अब मैं इसमें ये कपकेक्स के ये पेपर रख दूंगी। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर लीजिएगा, आप भले इसको ग्रीस कर लीजिएगा। मेरी कपकेक की जो ट्रे है वो नॉन स्टिक है तो इसलिए मैं इसको ग्रीस नहीं कर रही। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं एग बीट करना। अच्छा मेरे पास कपकेक्स के ये वाले मोल्ड भी हैं छोटे से, ये डिज़ाइन वाले मोल्ड हैं तो इसमें मैं कपकेक का जो पेपर है वो नहीं रख रही, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं अंडा तोड़ के डाल दूँगी। ये अंडा मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, मतलब फ्रिज में था तो मैंने निकाल कर इसको बाहर रख दिया था। फ्रिज वाला अंडा यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ये 5 to 6 ड्रॉप्स वेनेला एसेंस की भी डाल दूँगी और शुगर भी ऐड कर दूंगी। शुगर मैंने ग्रैनुलेटेड ली है, इसको जब हम बीट करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एग की बीटिंग, पहले स्लो रखेंगे उसके बाद हम इसको फास्ट पे लेके जाएंगे। जी तो अंडा और चीनी को मैंने इतना बीट किया है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे हम। ये बटर मिल्क जो मैंने रेडी करके रखा है, सिरका और दूध का, ये ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके अब मैं इसमें 1-1 चम्मच करके मैदा डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी हल्के हाथों से ऐसे। जी तो मैंने मैदा डाल के मिक्स कर लिया है, अब हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में कर लेंगे और एक में हम कोको पाउडर और कॉफ़ी ऐड करेंगे और दूसरे पार्ट में मैं 2 चम्मच मैदा और डाल दूंगी। कोको पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और ये कॉफ़ी का मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। हम इन दोनों मिक्सचर्स को कपकेक के मोल्ड में डाल लेंगे। फुल नहीं फिल कीजिएगा इसको, थोड़ा सा कम रहने दीजिएगा ताकि ये फूल जाए। जी तो मैंने सारे कपकेक फिल कर लिए हैं, अब मैं इसको 2 से 3 बार इस तरह से टैप करूंगी और बेक होने के लिए रख दूंगी। जी तो कपकेक तैयार हो गए हैं, मैंने इसको निकाल लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे।
की फ्रोस्टिंग के लिए मैंने ये चॉकलेट ली है, इसको मैंने कट कर लिया है। ये तकरीबन हाफ कप चॉकलेट होगी। इसमें मैं विपी विप की क्रीम डाल दूंगी, हाफ कप क्रीम डालूंगी और ये मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी मेल्ट होने के लिए। चॉकलेट होपफुली मेल्ट हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए मैंने क्रीम और चॉकलेट को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, अगर चॉकलेट के कोई लम्स होंगे तो वो आपके मिक्स करने से मेल्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। जी तो ये चॉकलेट और क्रीम मैंने फ्रिज में रख कर सेट कर ली है, अब मैं इसको बीट करूँगी। तो मैंने ये बीट कर ली है, देखिए एक बहुत अच्छी स्मूथ सी हमारी फ्रोस्टिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। ये मेरे पास कुछ नूडल्स हैं, इनमें से कोई भी एक नूडल मैं यूज़ कर लूँगी। ये 1 mm वाली नूडल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ और ये पाइपिंग बैग में मैं फिल कर लेती हूँ। ये क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली है, अब हम इसे कपकेक्स के ऊपर लगाएंगे। अगर आप इसको सेंटर में फिल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ से कर लीजिएगा ये होल, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर इसमें ऐसे करके क्रीम आप डाल सकते हैं। अब हम इनकी डेकोरेशन करेंगे। जी तो मैंने चॉकलेट कपकेक्स की डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है। मैंने सारे ही वनीला और चॉकलेट दोनों ही कपकेक्स पे मैंने चॉकलेट की फ्रोस्टिंग की है। आप चाहें तो इसकी डिफरेंट फ्रोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी डेकोरेशन भी कर ली है। कुछ मेरे पास ये बीट्स थे, कुछ स्प्रिंकल्स थे, आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। जी तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।